भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करता है। राजनीति से रोटी निकालने वाला भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन नहीं रह पाता। हर कार्यकर्ता सहयोग राशि जमा करता है ताकि मेरा संगठन चले, इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी कहलाती है। जो पद के लिए पैर पकड़ने लगे वो इस पार्टी का कार्यकर्ता कतई नहीं हो सकता है, और सम्मान के लिए जो स्वाभिमान छोड़ दे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो ईमानदारी के साथ निस्वार्थ समर्पण के भाव से काम करता है, वो बूथ से उठ करके राष्ट्रपति के महल तक भी जाता है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी बैठता है। दूसरे दल के अंदर राजनीति से रोटी निकालने वाले लोगों की भीड़ है। दूसरे दल के अंदर वंशवादी और परिवारवादी मानसिकता के लोग हैं। बिहार की जनता आजादी के बाद लंबे समय तक इन वंशवादी भ्रष्टाचारी जाति मानसिकता के लोगों के बीच परीक्षा देते रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति जो समर्पित भाव है और जो उन्होंने कहा है वो किया है, और उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म की कहानी बाकी है। भाजपा वो गंगा का दरिया है, वो गंगा की नदी पावन नदी है, जिसमें जो डुबकी लगा लिया उसको आत्मा बाहर में कभी शांति नहीं। पूरे विश्व का सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका आज लगभग 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए जीता है और समाज के लिए जीता है, जो भेद नहीं करता है। इसके नेता भी अपने को प्रधान सेवक, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। अब जिसके नेता प्रधान सेवक के भाव में काम करता हो और 140 करोड़ भारतीय को परिवार मानता हो, सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेता हो, वह पार्टी की बराबरी कोई पार्टी कर ही नहीं सकता। बाकी पार्टी तो सब परिवार से जुड़ा है, परिवार से बाहर निकला तो वंश से जुड़ गया, वंश से बाहर निकला तो जाति में जाके सीमित गया, लेकिन इस पार्टी में सभी जाति का समान रूप से अधिकार और सम्मान है। बीजेपी सभी जाति में पहुंचता है, कोई जाति बीजेपी पर हावी अगर जो होना चाहता है तो वो बाहर हो जाता है, यही पार्टी की विशेषता रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करता है। राजनीति से रोटी निकालने वाला भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन नहीं रह पाता, यह विशेषता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी तुलसी के पौधे के तरह है, जिस पौधे का एक एक पत्ता का मान बराबर है, वह पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रसाद में पड़ जाए, किसी भी भोज पदार्थ में बन जाए, वो प्रसाद बन जाता है, ये इस पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन चलाने के लिए हम लोग सहयोग राशि भी देते हैं। दूसरे पार्टी में सहयोग राशि देगा तो उसके कार्यकर्ता भाग जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में सहयोग राशि दी जाती है। हर कार्यकर्ता सहयोग राशि जमा करता है ताकि मेरा संगठन चले, इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी कहलाती है, और भ्रष्टाचार से लड़ने का मादा भी भारतीय जनता पार्टी रखती है। भारतीय जनता पार्टी के हम उन पूर्वजों को भी नमन करेंगे, उन कार्यकर्ताओं को भी नमन करेंगे जिन लोगों ने तिनका जोड़ जोड़ कर घोसला बनाया है। नए कार्यकर्ता उस घोसले में निवास करेंगे, विराजेंगे, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि तिनका जोड़ करके जो घोसला बनाया है उनके सम्मान में कोई कमी न आए। आपका स्वागत है, लेकिन पुराने कार्यकर्ता हमारी जिम्मेवारी है, ये हम ध्यान में रखना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पद के लिए पैर नहीं पकड़ता है, ये पहली विशेषता है
कि जो पद के लिए पैर पकड़ने लगे वो इस पार्टी का कार्यकर्ता कतई नहीं हो सकता है, और सम्मान के लिए जो स्वाभिमान छोड़ दे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आप अपने कर्म से सम्मान प्राप्त करें, ये मन के अंदर आपका ध्येय और संकल्प हो, और पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। पार्टी का निर्णय हर कार्यकर्ता को एक सैनिक के रूप में जो आदेश मिले, पार्टी जहां कहे कि आपको यहां पर लगना है, यहां ये काम को करना है, उसको ईमानदारी के साथ एक सैनिक के रूप में करते रहना, यही हमारी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाना भाजपा का हर कार्यकर्ता एक सामाजिक सैनिक के रूप में काम करता है। ये स्वभाव जो बना लेगा भारतीय जनता पार्टी में, उसका हर सपना साकार हो जाएगा। अपवाद स्वरूप कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो ईमानदारी के साथ निस्वार्थ समर्पण के भाव से काम करता है, वो बूथ से उठ करके राष्ट्रपति के महल तक भी जाता है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी बैठता है, मुख्यमंत्री और मंत्री एमएलए एमपी बनता है। ये भाजपा के अंदर ही संभव है, दूसरे दल के अंदर ये चरित्र ही नहीं है। दूसरे दल के अंदर अवसरवादियों की एक बड़ी जमात है, दूसरे दल के अंदर राजनीति से रोटी निकालने वाले लोगों की भीड़ है, दूसरे दल के अंदर वंशवादी और परिवारवादी मानसिकता के लोग हैं, जो राजनीति को अपवित्र और भ्रष्ट बना दिए। आज राजनीति से हमारा जो आने वाला पीढ़ी नफरत कर रहा है, उसके मन के अंदर ये विश्वास जगाना है कि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों को परेशानी बहुत किया जाता है, हतोत्साहित डिमोरलाइज करने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंत में सच परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, अच्छे लोग सफल होते हैं। और भाजपा हर एग्जामिनेशन में पास करता है, हर अग्निम परीक्षा में भाजपा पास करती है। बिहार की जनता आजादी के बाद लंबे समय तक इन वंशवादी भ्रष्टाचारी जाति मानसिकता के लोगों के बीच परीक्षा देते रही है। हम शून्य से कदम बढ़ाते हुए शिखर की ओर बढ़ चुके हैं, हमें रोक नहीं सकता, ये ताकत अब किसी में नहीं है। जो छोटे हृदय के लोग हैं वो अब उठ नहीं सकते, क्योंकि भाजपा का परिवार विशाल हो चुका है, और विशाल परिवार में आज हर बिहारी चाहता है कि हमें सम्मान मिले, हमारा स्वाभिमान की रक्षा हो, हम शांति के साथ विकास करें। कि 40 सीट विजय दिलाना है, ताकि उस 40 पर जब एक जीरो और बैठ जाए तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति जो समर्पित भाव है, और जो उन्होंने कहा है वो किया है, और उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म की कहानी बाकी है, विकसित भारत और विकसित बिहार बनाना है, और ये बिहार और ये भारत विश्व गुरु कदम बढ़ा दिया है, इसको रोक नहीं पाएगा। हर बिहारी मिलकर के 40 पार कराना, यही आग्रह है, और आप सभी लोग आए हैं, भाजपा की शक्ति और ताकत बढ़ेगी पूरे संकल्प के साथ, भाजपा के प्रति भाजपा में पूरी निष्ठा से लगे रहना है। और एक चीज और बता दें, जो भाजपा में आ जाता है वह गलती से भागता भी है तो उसको चैन नहीं मिलता है, फिर लौट के भाजपा में ही आता है। इसलिए जो लोग बेचैन आत्मा, आज देखिए हमारे बीच में पूर्व विधायक आए हुए हैं, ये भागे नहीं थे रामानंद राम जी, ये चुनाव लड़ गए थे, लेकिन इनकी निष्ठा भाजपा में ही बनी हुई थी, हम लोग के साथ विधायक थे। इसलिए भाजपा वो गंगा का दरिया है, वो गंगा की नदी पावन नदी है, जिसमें जो डुबकी लगा लिया उसको आत्मा बाहर में कभी शांति नहीं मिलेगा, इसी नदी में, इसी पवित्र नदी में डुबकी लगाएगा तो वो शांत होगा। इसलिए पूरे मन मिजाज के साथ भाजपा में काम करिए, और भाजपा काम करने वाले को
हमेशा इनाम देती है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में।